नमस्कार, मैं डॉक्टर साइली बिड़कर, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, छोटे बच्चों की ब्रेन और नसों की डॉक्टर, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज हम एपिलेप्सी के लक्षणों के बारे में, चिल्ड्रंस में क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो एपिलेप्सी होता क्या है? हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत सारे न्यूरॉन्स की वजह से बना होता है। वो न्यूरॉन्स के कनेक्शन के लिए कुछ केमिकल या इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है। घर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी का नियंत्रित बहाव होता है और हर अप्लायंस काम करता है, वो बहाव अनियंत्रित हो गया तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वैसे ही अगर ब्रेन का करंट अनियंत्रित हो जाता है तो सीजर आता है, दौरा आता है, या हम उसको कहते हैं मिर्गी आती है। अगर किसी को ये सीजर आने की, बार बार आने की टेंडेंसी है तो ये टेंडेंसी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। आप सभी लोग अवेयर होते हैं कि एपिलेप्सी हमेशा जब आती है, या एपिलेप्सी का या मिर्गी का जब अटैक आता है, आंखें ऊपर होती है, हाथ पैर स्टिफ हो जाते हैं, हाथ पैर का जर्क्स होने लगता है, मुंह टेढ़ा होने लगता है, जीभ चबा जाती है, या मुंह से ब्लीडिंग हो सकती है। कई कई बार इसके साथ में मूत्र विसर्जन भी हो जाता है, पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है जो सराउंडिंग सब अवेयर है कि ये लक्षण मिर्गी के हो सकते हैं, और ऐसे पेशेंट में तुरंत मेडिकल हेल्प पाई जाती है। लेकिन आज मैं बात करूंगी कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स के बारे में, जो अगर आप आपके बच्चों में देखें तो ये भी चिल्ड्रन में होने वाले एपिलेप्सी के लक्षण होते हैं। कई बार आपके बच्चों के स्कूल टीचर कंप्लेन करती है कि आपका बच्चा एक तरफ देखता रहता है, वो 5-10 सेकंड्स के लिए अनरिस्पॉन्सिव रहता है, उसका नाम पुकारा तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। टीचर यूजुअली बोलते हैं कि वो डे ड्रीमिंग कर रहा है। तो ये बच्चों में एब्सेंस सीजर का लक्षण हो सकता है। 1-2 साल के बच्चे नींद से अचानक उठते हैं और बॉडी जर्क्स करती है या हेड ड्रॉप्स करते हैं, ये बार बार होता है, तो ये एपिलेप्टिक स्पाजम्स या हेड ड्रॉप्स टाइप का सीजर हो सकता है, जिसको हम वेस्ट सिंड्रोम कहते हैं। 10-11 साल के बच्चे नींद से उठने के बाद बॉडी जर्क करते हैं, या ब्रश करते वक्त हाथ जर्क होके टूथब्रश नीचे गिर जाता है, तो ये जर्क्स मायोक्लोनिक जर्क्स हो सकते हैं और ये जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का एक लक्षण हो सकते हैं। कई कई बार जब एपिलेप्सी का अटैक आता है या सीजर आता है तो फ्रैंक अटैक ना आने के अलावा ऑरा होता है, जिसको हम पूर्वाभास कहते हैं। पूर्वाभास बहुत टाइप से होता है। कई बार आंखों के सामने लाइट्स का फ्लैशिंग होना, ब्लैक एंड वाइट लाइट्स दिखना, कान में आवाज़ होना, जो चीज़ पहले हुई है वो लगना कि मेरे साथ कभी ये हुआ नहीं है, और जो चीज़ आप जानते हैं वो जान के भी ऐसा लगना ये बिल्कुल नया है, जिसको डेजा वू जैसा कहा जाता है। सराउंडिंग से डिसोसिएट होना, मुंह का या हैंड्स का ऑटोमेटिक मूवमेंट करना, ये भी सीजर का लक्षण होता है। तो जैसे हम सीजर्स के कॉमन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं, ये छोटा सा वीडियो आपको हेल्प करेगा। जो अनयूजुअल सिम्टम्स है, अगर आप आपके बच्चों में देखें तो इसे इग्नोर मत कीजिए और मेडिकल अटेंशन लेना ज़रूरी है। धन्यवाद।